भारत और पाकिस्तान के बीच 23 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर एक बड़ी महफिल सजने वाली है। टी20 वर्ल्ड कप 2022 में टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ पहला मुकाबला खेलेगी। इस मैच को लेकर माहौल अभी से बनने लगा है, खास तौर पर जब पाकिस्तान की ओर से देखा जाए तो। खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रमीज राजा ने बयानबाजी भी शुरू कर दी है और उनके ऐसे ही एक बयान पर भारतीय टीम के स्टार स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने करारा तंज कसा है। पाकिस्तान ने पिछले साल के टी20 विश्व कप में भारत को 10 विकेट से हराया था। पाकिस्तान की किसी भी विश्व कप में भारत पर यह जीत का पहला वाक्य था। जाहिर तौर पर पाकिस्तान में इस जीत के बाद काफी ज्यादा उत्साह था और उनके लिए ये बात आज भी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखी जाती है। इसी का जिक्र करते हुए रमीज राजा ने हाल ही में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो जीत छोटी नहीं थी और उसके बाद से ही भारतीय टीम पाकिस्तान को इज्जत देने लगी है। भारतीय टीम का वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को लेकर के रिकॉर्ड हमेशा शानदार रहा है, लेकिन भारत की तरफ से कभी भी इस मैच को लेकर के बयानबाजी नहीं हुई है। यानी कि सम्मान की बात हमेशा से भारत की तरफ से रही है और यही बात अब अश्विन ने रमीज राजा को याद दिलाई है। अश्विन ने पीसीबी के चीफ पर तंज कसते हुए कहा, इज्जत सिर्फ जीत या हार से नहीं मिलती। और अश्विन ने यह बयान 10 अक्टूबर को पर्थ में टीम इंडिया के पहले अभ्यास मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया। अश्विन ने कहा, विरोधी टीम का सम्मान सिर्फ हार या जीत के आधार पर तय नहीं होता, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से बने हो। और हम हमेशा से पाकिस्तान टीम का सम्मान करते आए हैं और इस तरह वो भी भारत का सम्मान करते हैं। इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और क्रिकेट की खबरों से जुड़े रहने के लिए खबर विभाग को सब्सक्राइब करना न भूलें।